मुल्तान के इलाका लोहा मार्केट का रिहायशी शब्बीर अहमद अपने वालिद के कदीम सिक्कों, करंसी नोटों और डाक टिकटों के शौक को जारी रखे हुए हैं। उसके पास सिकंदर आजम, टीपू सुल्तान, शहनशाह अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी समेत मुगल शहनशाहों और बरतानवी शाही दौर के सिक्के मौजूद हैं। शब्बीर अहमद के पास 5000 कदीमी सिक्कों के अलावा तमगा जमहूरियत, तमगा बका समेत दीगर अहम तमगे भी मौजूद हैं। टीपू सुल्तान का शहीद था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और बेहतरीन इनमें से वो सिक्का जो है ना, मैं जब देखता हूँ मेरा जो दिल बड़ा खुश होता है। शब्बीर अहमद ने जहाँ यूरोपी, इस्लामी और खलीजी ममालिक के करंसी नोट जमा कर रखे हैं, वहाँ पर तकसीम पाकिस्तान से लेकर अब तक जारी होने वाले तमाम करंसी नोट मौजूद हैं। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के इकट्ठे होने पर कराची और ढाका से बयक वक्त करंसी नोट जारी किए जाते थे, उनको देखकर आज भी तल्ख यादें ताज़ा हो जाती हैं। जबकि शब्बीर अहमद के पास हर मुल्क का डाक टिकट भी मौजूद है। बेचते हैं लोग, बाहर ज्यादा डीलिंग हो रही है, ज्यादातर बाहर जा रहे हैं। मुझे भी लोग कहते थे पैसे लो, ये दे दो चीजें, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा काम नहीं किया। शब्बीर अहमद को शिकवा है कि उसने कुछ नायाब सिक्के लाहौर के म्यूजियम को बतौर अतिया दिए, मगर कुछ अरसा के बाद वो गायब कर दिए गए। अगर हुकूमत मुल्तान म्यूजियम में उसके वालिद के नाम से गैलरी मंसूब कर दे तो वो अपनी नायाब अशिया देने को तैयार है। तारीख के वो किरदार जो सिर्फ किताबों तक महदूद हैं, वो आज भी शब्बीर अहमद के नवादरात की शक्ल में जिंदा हैं। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ शरीफ जोया, दुनिया न्यूज़, मुल्तान।